अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं वॉक करने के लिए निकला था तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। नॉर्मल एक एडल्ट जो कि 6 फीट जिसकी हाइट हो और 72 kg के अराउंड उसका वेट हो, तो WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक उसको डेली 6500 स्टेप्स फिज़िकल एक्टिविटी रखनी चाहिए, यानी 6500 स्टेप्स डेली चलना चाहिए। ये अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 किलोमीटर का तक का डिस्टेंस बनता है डेली का। ये अचीव करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप मतलब घर का कोई काम करने जाते हैं या आपको शॉप तक जाना है, तो बजाय इसके कि आप गाड़ी लेके जाएं या बाइक लेके जाएं, आप पैदल जाने की कोशिश करें। इससे ये है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, फिज़िकल एक्टिविटी भी रहेगी आपकी डेली की, और जिस तरह से फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं आपका फ्यूल भी सेव हो सकेगा। तो मैंने इस तरीके से तकरीबन अपना 10 kg वेट कम किया है। मेरा घर यहाँ से इस पार्क से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पे है, आने जाने का 3 किलोमीटर हो जाता है। और इस पार्क के अंदर जो है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आलमोस्ट 1 किलोमीटर का जो है ना ट्रैक बना हुआ है। ये पार्क है और इसमें इस तरह से ट्रैक बने हुए, तो एक दो चक्कर मैं यहाँ पे ट्रैक्स पे लगाता हूँ। तो इस तरह से मेरे आसानी से तकरीबन 5-6 किलोमीटर पूरे हो जाते हैं। तो ये पिछले एक साल से मेरी ये रूटीन है और इस तरह से मैंने अपना तकरीबन 10 kg वेट कम किया है। वो दोस्त जो ओवरवेट हैं या ओबीज हैं या जिन्हें लगता है कि वेट कम करना बहुत मुश्किल है, उनके लिए एक आसान सी हेल्थ टिप समझ लें कि एक तो अगर वो मतलब नॉर्मल एक एडल्ट को कैलोरीज रिक्वायरमेंट 2000 to 2500 कैलोरीज पर डे है, तो अगर वो अपनी कैलोरीज कम कर लेते हैं, यानी 2500 की बजाय 1500 कैलोरीज डेली लेते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई 2 रोटियां खाता है तो वो 1.5 रोटी कर दे, अगर 1.5 खाता है तो वो 1 रोटी कर दे, या 3 टाइम खाना खाता है तो 2 टाइम कर दें, या इवनिंग स्नैक्स बंद कर दें, इस तरह की फजूल चीज़ें जो हम खाते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद, चाय पी ली, बिस्किट खा लिए और फास्ट फूड वगैरह, तो फास्ट फूड वगैरह का 1 दिन रख लें हफ्ते में, तो इस तरह से इजीली वेट लूज़ हो सकता है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं और साथ में अपने कैलोरीज इनटेक को कम करें तो वेट ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करके खुशी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।